Infinix Note 7 versus Tecno Spark Power 2। तो फाइनली यहाँ पर आज के डेट में इंडिया में ये दोनों स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में हैं, जिसमें से एक Infinix Note 7 और दूसरा है Tecno Spark Power 2। तो आज की वीडियो में यहाँ पर मैं Infinix Note 7 वर्सेस Tecno Spark Power 2 का एक कंपैरिजन करूँगा और देखते हैं कि यहाँ पे दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन किसको बीट करता है, किस फीचर्स के मामले में और लुक वाइज में। तो यहाँ पर ये जो Infinix Note 7 है, ये Infinix का ब्रांड है और ये Tecno, इसका नाम आपने बहुत ही कम सुना होगा, इसका सुना भी नहीं होगा बिकॉज अब ये नया ब्रांड है। तो पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर Tecno Spark Power 2 और Infinix Note 7 के बैक कवर से। तो यहाँ पर Infinix Note 7 में आपको जो बैक कवर मिलता है एकदम सिंपल डिसेंट मिलता है, ये मोबाइल के साथ में आता है, एकदम वाइट कलर में प्लेन रहता है। और Tecno Spark Power 2 में भी आपको बैक कवर मिलता है जो मोबाइल के साथ में आता है। अब यहाँ पर Tecno Spark Power 2 और Infinix Note 7 में कहीं ना कहीं डिफरेंस है, इसमें आपको थोड़ा डार्क कलर का बैक केस मिलता है और इसमें आपको पूरा का पूरा प्लेन यहाँ पर डार्क बैक केस देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको ये पूरा कुशन सपोर्ट्स है तो यहाँ पर आपको थोड़ा कर्व्ड दिखेगा ताकि जो कैमरा है उस पर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। और यहाँ पर ये है Tecno Spark Power 2 का, दो इसमें पॉइंट्स आपको मिलते हैं। दैट्स इट। अब इस कवर को मैं साइड में रखता हूँ, अब बात करते हैं यहाँ पर Tecno Spark Power 2 के यहाँ पर स्क्रीन और लुक के मामले में। तो पहली बात लुक वाइज कंपैरिजन करते हैं, तो लुक वाइज में तो सीधी से बात है, देर इज़ नो डाउट कि यहाँ पर आपको Infinix Note 7 ही यहाँ पर बेस्ट है, बिकॉज यहाँ पर दोनों में आपको डिफरेंस ये देखने को मिलेगा, बिकॉज जो Infinix Note 7 है ये लुक वाइज में काफ़ी ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू Tecno Spark Power 2। Infinix Note 7 यहाँ पर आपको 2 से 3 कलर में वेरिएंट में आपको अवेलेबल मिल जाता है और Tecno Spark Power 2 में आपको 2 कलर वेरिएंट्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दूसरा है Tecno Spark Power 2 और Infinix Note 7 में, कि यहाँ पर Infinix Note 7 में आपको टॉप लेफ्ट साइड में यहाँ पर होल पंच कैमरा देखने को मिलता है और यहाँ पर Tecno Spark Power 2 में आपको मिडल में ये कैमरा देखने को मिलता है, यानी कि ये एक नॉच आपको देखने को मिलता है। इसकी वजह से क्या है कि आपको फुल स्क्रीन का एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। तो Tecno Spark Power 2 में आपको ये मूवीज़ देखने के टाइम पे, वीडियो प्ले करने के टाइम पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है इस नॉच की वजह से, लेकिन Infinix Note 7 में ऐसा कुछ नहीं है, पूरा का पूरा आपको स्क्रीन यहाँ पर मिलता है, कोई भी नॉच नहीं मिलता, बट यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में होल पंच मिलता है। दैट्स इट। और यहाँ पर बात करते हैं कैमरा, तो कैमरा में यहाँ पर आपको इस तरीके का लुक्स देखने को मिलता है। Infinix Note 7 में राउंड शेप मिलता है और Tecno Spark Power 2 में ऐसा कर्व्ड मिलता है। यहाँ पर अभी स्लिम स्लॉट्स की बात करते हैं, Infinix Note 7 में आपको डबल सिम कार्ड और एक माइक्रो SD कार्ड का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर Tecno Spark Power 2 में भी आपको डबल सिम कार्ड और एक माइक्रो SD कार्ड का ऑप्शन देखने को मिलता है। डिफरेंस यहाँ पर मेजर डिफरेंस जो आपको देखने को मिलेगा वो है फिंगरप्रिंट का ऑप्शन। यहाँ पर Tecno Spark Power 2 में ओल्ड वाला फीचर ही है कि आपको बैक साइड में यहाँ पर फिंगरप्रिंट वाला ऑप्शन मिल जाता है राउंड शेप में, और Tecno यानी कि Infinix Note 7 में आपको कोई भी फिंगरप्रिंट का यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पर नया टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है, जो नया फीचर है कि यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट का ऑप्शन देखने को मिलता है। ये दो काम करता है ये बटन है, यहाँ पर पावर बटन है प्लस ये पावर बटन आपका फिंगरप्रिंट का भी काम करता है। तो यहाँ पर आपको कोई भी बैक साइड में राउंड कलर का शेप देखने को नहीं मिलेगा, ये बटन पावर बटन प्लस फिंगरप्रिंट दोनों का काम करता है। तो ये एक नया फीचर आपको Infinix Note 7 में देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर ये स्मार्टफोन ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू Tecno Spark Power 2। अब यहीं पर एंडेड अप नहीं होता है, अब बात करते हैं यहाँ पे डाउन साइड में। तो यहाँ पर दोनों में आपको हेडफोन जैक्स मिलता है, सेंसर्स मिल जाते हैं और चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाता है। दूसरा यहाँ पर लेकिन स्पीकर की अगर मैं बात करूँ तो स्पीकर में यहाँ पर Tecno Spark Power 2 ज़्यादा बेटर है। Tecno Spark Power 2 में आपको यहाँ पर डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलता है, यानी कि डबल स्पीकर आपको इसमें मिलता है। Infinix Note में आपको सिर्फ सिंगल स्पीकर मिलता है, तो साउंड के मामले में यहाँ पर आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Tecno Spark Power 2 में ज़्यादा साउंड का आपको यहाँ पर एडवांटेजेस मिलेगा। Infinix Note में भी आपको साउंड बेटर नहीं मिलेगा, बट एज़ कम्पेयर टू Tecno Spark Power 2 आपको कम मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर स्क्रीन साइज़ की, तो Infinix Note 7 में आपको स्क्रीन मिलता है 6.95 इंच HD+
और यहाँ पर टेक्नो स्पार्क पावर टू में जो आपको डिस्प्ले मिलता है 7 इंच का एग्जैक्ट HD प्लस डिस्प्ले, तो स्क्रीन साइज़ के मामले में टेक्नो स्पार्क पावर टू ज़्यादा बेटर है। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर के मामले में तो सीधी से बात है कि इन्फिनिक्स नोट 7 ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू टेक्नो स्पार्क पावर टू। इन्फिनिक्स नोट 7 स्पेशली डिज़ाइन किया गया फॉर गेमर्स के लिए। यस, इसमें आपको प्रोसेसर मिलता है एनविडिया टेक का G70, जो स्पेशली आपको गेमिंग प्रोसेसर मिलता है इसमें, तो आपको गेमिंग में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एकदम स्मूथली ईजिली आप इसमें गेम प्ले कर पाओगे विदाउट एनी लैग एंड लेटेंसी। लेकिन टेक्नो स्पार्क पावर 2 में आपको गेम खेलने के टाइम पे प्रॉब्लम होगा, वैसे इतना भी नहीं होगा, बट जब आप ग्राफिकल्स गेम खेलेंगे, हाई क्वालिटी वाले गेम, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा लैग का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें आपको डिसेंट प्रोसेसर मिलता है जो नॉर्मल प्रोसेसर होता है, बट आप उसको भी इजीली आप कंपीट कर सकते हैं अगर आप बैकग्राउंड के जितने भी सारे रनिंग एप्स हैं उनके प्रोसेस को अगर आप स्टॉप कर दो, रैम को फ्री रखो, तो आपको गेमिंग में यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन इन्फिनिक्स नोट 7 में आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, गेमिंग आप इसमें इजीली और स्मूथली प्ले कर पाओगे विदाउट एनी लैग एंड लेटेंसी। तो यहाँ पर अगर स्पीड की मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 7 ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू टेक्नो स्पार्क पावर 2। अब बात करते हैं यहाँ पर बैटरीज़ की, तो बैटरीज़ इन्फिनिक्स नोट 7 में आपको मिलता है 5000 mAh का बैटरी, और टेक्नो स्पार्क पावर 2 में जो आपको बैटरी मिलता है 6000 mAh का बैटरी। तो बैटरी के मामले में इन टेक्नो स्पार्क पावर 2 ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू इन्फिनिक्स नोट 7। लेकिन लुक वाइज में और परफॉर्मेंस वाइज में इन्फिनिक्स नोट 7 ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू टेक्नो स्पार्क पावर 2। तो अभी डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर, बट देर इज़ नो इनफ अबाउट दिस। इस अभी जाते हैं इसके सेटिंग्स ऑप्शन में, और इसके दोनों में माई फोन्स के सेटिंग्स में जाते हैं। अब यहाँ पर है ये दोनों भी स्मार्टफोन्स के डिटेल्स फीचर्स, तो इन्फिनिक्स नोट 7 में आपको 4GB रैम मिलता है एज़ यू कैन सी, और टेक्नो स्पार्क पावर 2 में भी आपको 4GB रैम मिलता है। यहाँ पर आपको कैमरा इन्फिनिक्स नोट 7 में ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू टेक्नो स्पार्क पावर 2। इसमें आपको 64GB का, यानी कि जो कैमराज आपको मिलते हैं यहाँ पर 48MP का आपको क्वाड कैमरा मिलता है, तो कैमरा क्वालिटी इन्फिनिक्स नोट 7 का ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू टेक्नो स्पार्क पावर 2। इन्फिनिक्स नोट 7 में आपको 48MP का बैक कैमरा मिलता है क्वाड कैमरा, और फ्रंट का 16MP मिलता है, और टेक्नो स्पार्क पावर 2 में आपको 16MP का कैमरा मिलता है, बैक का 16 और फ्रंट का 16MP। यहाँ पर स्टोरेज में अभी है दोनों में आपको सेम स्टोरेज मिलता है ऑलमोस्ट 64GB दोनों में आपको देखने को मिलता है, जिसको आप एक्सपांड भी कर सकते हैं अप टू 251GB। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको प्रोसेसर बताया, देखो इन्फिनिक्स नोट 7 में आपको यहाँ पर मीडिया टेक का प्रोसेसर मिलता है G70, जो स्पेशली फॉर गेमर्स के लिए ज़्यादा बेटर होता है। गेमिंग यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस इन्फिनिक्स नोट 7 में ज़्यादा बेटर होगा एज़ कम्पेयर टू टेक्नो स्पार्क पावर 2। बेसिकली जो मीडिया टेक के जो G वाले जितने भी सारे प्रोसेसर होते हैं, अब वो 50 के ऊपर, तो उसमें आपको गेमिंग स्पेशली गेमिंग स्मार्टफोन्स में ये प्रोसेसर आपको मिलता है, तो इन्फिनिक्स नोट 7 स्पेशली गेमर्स के लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा, जो बजट सेगमेंट गेमर्स हैं उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा बैटरी। और इसमें आपको जो टेक्नो स्पार्क पावर 2 में जो प्रोसेसर मिलता है, ये 2.5 GHz का ऑक्टो का प्रोसेसर मिलता है, जो कि नॉर्मल डिसेंट स्मार्टफोन्स में आपको जो मिलता है बजट स्मार्टफोन्स में, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बैटरी जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया, देखो यहाँ पर पूरा रियल है, 5000 mAh का यहाँ पर बैटरी है, और टेक्नो स्पार्क पावर 2 में 6000 mAh का यहाँ पर बैटरी मिलता है। डिस्प्ले दोनों में फुल HD नहीं मिलता है, जस्ट ओनली नॉर्मल HD प्लस डिस्प्ले मिलता है, और यहाँ पर ये टेक्नो स्पार्क पावर 2 और इन्फिनिक्स नोट 7 दोनों भी एंड्रॉयड के लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉयड 10 पर कम्प्लीटली बेस्ड है। एज यू कैन सी यहाँ पर आपको दोनों में एंड्रॉयड 10 का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 7 का जो OS है वो डिफरेंट है, और टेक्नो स्पार्क पावर 2 का जो OS है वो अपना उनका खुद का अपना OS है, और इन्फिनिक्स नोट 7 का भी अपना खुद का OS है, इसलिए आपको दोनों का जो लुक है वो आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा, लेकिन जो क्लासिक लुक है वो इन्फिनिक्स नोट 7 का आपको ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगा। एज यू कैन सी दैट ये एकदम क्लासिक और एकदम अट्रैक्टिव लुक लग रहा है, राइट? लेकिन टेक्नो स्पार्क पावर 2 का जो लुक है इतना ज़्यादा आपको बेटर देखने को नहीं मिलेगा।
अब बात करते हैं कि यहाँ पर दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर पहली बात है, इन्फिनिक्स नोट 7 का जो प्राइस है वो 11,000 रुपीस है आज के डेट में, और टेक्नो स्पार्क पावर 2 का जो प्राइस है वो है 10,000 रुपीस। तो सीधी सी बात है, अगर आपका बजट है 10,000 रुपीस का स्मार्टफोन का, तो 1,000 रुपये एडिशनल ऐड करके आप 11,000 रुपीस का बेटर इन्फिनिक्स नोट 7 भी परचेस करिए, बिकॉज मैं यही हाईली रिकमेंड करूँगा। इसमें आपको 1,000 रुपीस ऐड करने से काफ़ी अच्छा बेटर स्मार्टफोन्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इट्स कम्प्लीटली यूजफुल फॉर यू गाइस। तो ये था इन्फिनिक्स नोट 7 वर्सेस टेक्नो स्पार्क पावर 2 का एक कंपैरिजन। आई होप एंड स्पीड टेस्ट भी इसके रिलेटेड मैं करूँगा, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। तो फिलहाल ये था इस दोनों टेक्नो स्पार्क पावर 2 वर्सेस इन्फिनिक्स नोट 7 का कंपैरिजन। दिस विल हेल्प यू इन 2021। थैंक यू।